मैं हूँ मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट, वही शो जो आपको शो करता है सच और झूठ के बीच का अंतर यूजिंग फैक्ट्स। जैसा कि गाने के दूसरे वर्स को अंतरा कहते हैं और ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। आप तो ये जानते हैं कि मैं आपसे पूछूंगी 5 सवाल, जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए खेलते हैं फेक और नॉट। आज हम बात करेंगे अस्थमा से पीड़ित पियानो यानी कि हारमोनियम की। हारमोनियम के बिना क्लासिकल म्यूजिक से लेकर बॉलीवुड के गाने हैं अधूरे। लोग कहते हैं गम का साथी रम होता है, मैं कहती हूँ गम का साथी होता है हारमोनियम। चुप कर रात दिन आंसू बहाना याद है। ओके एनीवे, मुझे तो हमेशा यही लगा था कि हारमोनियम देसी है, मगर आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था। ये गलत है या सही, ये आपको बताना है इस अगले सवाल में। हारमोनियम एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, फेक या नॉट फेक? मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हारमोनियम और हारमोनिका भाई बहन है? क्या इनके मम्मी का नाम हारमोनिमा था? वैसे मेरे हिसाब से तो ये खबर एकदम गलत होगी, क्योंकि मूलान रूश के वीडियोस देखकर मैंने एक भी अंकल को नहीं देखा जो पीछे हारमोनियम लेके तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो गा रहे थे। चलिए आपको बता ही दूं, ये खबर है एकदम फेक। हारमोनियम का आविष्कार हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसे बनाने वाले थे अलेक्जेंडर डेबेन। लगभग 1930 तक ये यूरोप और अमेरिका में काफी इस्तेमाल किया जाता था, मगर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन के प्रचलन के बाद इसका इस्तेमाल कम हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक ये काफी लोकप्रिय है और यहाँ के संगीत का अटूट अंग बन चुका है। यकीन नहीं हो रहा तो पड़ोसन पिक्चर ही देख लीजिए, जिसके हीरो हैं सुनील दत्त और किशोर कुमार और हीरोइन है महमूद जी का हारमोनियम। दोस्तों लंदन में कई चीजें फेमस हैं, जैसे कि लंदन ब्रिज, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और वहां के हर गली कोने में खड़े देसी लोग। जी हाँ, एक जमाने में यूके ने हमें कॉलोनाइज किया था, अब हम उन्हें कॉलोनाइज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर देसियों का इतना प्रभाव है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पर वहाँ बड़ी सेरेमनी और काफी सेलिब्रेशन हुए। लोगों ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। ये कितना सच है वो तो आपको बताना है इस अगले सवाल में। लंदन में धूमधाम से मनाया गया इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, फेक या नॉट फेक? मेरे हिसाब से ये खबर गलत होगी, क्योंकि किसी को भी अपनी शिकस्त का जश्न मनाना पसंद नहीं। वैसे आजकल ब्रेकअप पार्टियां होने लगी हैं, तो कुछ कह नहीं सकते भैया। मुझे तो लगता है कि ब्रेक्सिट के बाद यूके वाले यूरोप को ताना मारने के लिए सिर्फ अपना ही नहीं सबका इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो चलिए ये रहस्य मैं खोल देती हूँ और बताती हूँ कि ये खबर है बिल्कुल फेक। ये वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है, जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो लंदन का नहीं रोम का है और ये सेलिब्रेशन इटली के रिपब्लिक डे का है। दरअसल इटली के झंडे में 3 रंग हैं, सफेद, हरा और लाल। ये इंडिया के झंडे से काफी मिलता है और इन्हीं रंगों को देखकर किसी फेक न्यूज फैलाने वालों ने सोचा, अरे वाह, इसे तो वहां फोटोशॉप करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फर्जी कैप्शन से ही काम चल जाएगा। दोस्तों अब इटली की बात हो ही रही है, तो क्या आप जानते हैं कि वहां के शहरों के नाम हिंदी में रखे गए हैं? रोम, मिलन, यहाँ तक कि पीसा भी। वाओ, मुझे नहीं पता था कि इंडिया और इटली के बीच आई अक्षर के अलावा इतनी सारी चीजें कॉमन हैं। अब पीसा के लीनिंग टावर के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस टावर की खासियत ये है कि ये टावर टेढ़ा है। अब ये कोई खासियत हुई? Anyway, यार छोड़ो। इस अगली खबर के मुताबिक वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर पीसा के लीनिंग टावर से भी ज्यादा टेढ़ा है। क्या यह सच है? अगले सवाल में देखना पड़ेगा। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर पीसा के लीनिंग टावर से भी ज्यादा झुका हुआ है, फेक या नॉट फेक? भाई मेरे मन में तो एक ही सवाल है, अगर ये झुके झुके से है तो ये बेकरार है कि नहीं? ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि अगर ये दोनों झुके हुए हैं तो इनके बारे में न्यूज स्टोरी बनाने की जगह लोग इन्हें सीधा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये खबर सच है तो हमें भी इटली से इंस्पिरेशन लेके इसे लीनिंग मंदिर ऑफ वाराणसी बुलाना चाहिए और लोगों को 10 यूरो चार्ज करना चाहिए इसके साथ वाहियात टूरिस्ट फोटोज लेने के लिए।
चलिए बता देती हूँ आपको कि 10 यूरो तैयार रखिए, क्योंकि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पे वाराणसी के इस रत्नेश्वर मंदिर का स्लांट है 9 degrees और पीसा के लीनिंग टावर का 4 degrees। तो इंडिया के स्टूडेंट्स की तरह इंडिया के मंदिरों के भी पास 5 degrees ज्यादा है। कहा जाता है कि 1860 से पहले मंदिर सीधा ही था, लेकिन जिस घाट पर ये बना है वो घाट मंदिर का भार नहीं सह पाया और कोलैप्स हो गया। इसी कारण ये मंदिर झुका सा है, अपने इमोशनल बैगेज की वजह से नहीं। दोस्तों, गैस हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गैस के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। ऑक्सीजन क्या है? गैस ही तो है। खाना बना नहीं सकते? एलपीजी क्या है? गैस ही तो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लाफिंग गैस, जो हमारे अंदर से निकलती है। जब हम उसे छोड़ते हैं, दूसरों की हंसी रुकती नहीं। वैसे हमारा अगला सवाल ऐसे ही एक गैस के बारे में है, जिसका नाम है हीलियम। कहा जा रहा है कि हीलियम को पहले इंडिया में खोजा गया था। अब ये सच है कि नहीं, पता लगाते हैं अगले सवाल के साथ। हीलियम गैस को पहली बार भारत में एक सूर्य ग्रहण के दौरान खोजा गया था। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, हीलियम एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हल्की होती है, इसलिए हीलियम से फुलाए गए गुब्बारे हमेशा हवा में ऊपर उड़ जाते हैं। इससे अगर आप इनहेल करें तो आपकी आवाज भी बदल सकती है। अगर ये खबर सच है तो किस कलमुए ने हीलियम का नाम हीलियम रख दिया? कोई सुंदर सा इंडियन नाम ही रख देते, जैसे सुरेश या छोटू या समथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ये खबर झूठ है, क्योंकि ग्रहण के दौरान तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है ना? रॉन्ग हो सकता है। ऐसे ही अंधविश्वासों पर से आपका भरोसा मुझे मिटाना है, इसलिए मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। 18 अगस्त 1868 में पियर जैनसन नामक वैज्ञानिक भारत के गुंटूर के पास एक सूर्य ग्रहण ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्हें नजर आई एक ब्राइट येलो लाइन, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और उन्हें समझ आ गया कि ये एक नया एलिमेंट है। 30 साल तक लोग यही सोचते गए कि सिर्फ सूरज में ही पाया जाता है ये एलिमेंट। लेकिन फिर 1895 क्लेवाइट नाम के मिनरल पर काम करते करते सर विलियम रैमजे को दिखी वही ब्राइट येलो लाइन, और उन्होंने उस लाइन को नाम दिया हीलियम। वो इसलिए क्योंकि ग्रीक में सूरज को हीलियोस बुलाया जाता है और धोखेबाज को गिरीश बुलाया जाता है। दोस्तों, अमित जी ने कहा था कि दारू पीने से लिवर खराब हो सकता है, लेकिन आज मैं सुन रही हूँ कि दारू पीने से बंदर भी खराब हो सकता है। अभी अभी झूलती हुई एक खबर के अनुसार शराब के शौकीन एक बंदर ने 250 लोगों को काटा। क्या यही है मंकी बार के ओनर की कहानी? क्या मंकी बार का ओनर एक मंकी है? ओह माय गॉड। चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब हमारे आखिरी सवाल के साथ। दारू ना मिलने पर शराबी बंदर ने 250 लोगों को काटा, फेक या नॉट फेक? कौन है ये नालायक 250 लोग जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया? शायद ये बंदर नहीं, अंडरकवर कोविड वॉरियर है, जो सिर्फ इन्हें सबक सिखाना चाहता है। क्या ये बंदर अदरक ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अदरक का स्वाद वंस एंड फॉर ऑल जस्ट जानना था? क्या हो रहा था बंदर के अंदर, जो किया उसने इतना बड़ा ब्लंडर? ये कहाँ हुआ? Did it happen in Porbandar? नहीं, Porbandar में नहीं हो सकता, गुजरात तो ड्राय स्टेट है। So, दोस्तों, शराबी बंदर आपको सुन के झूठ लगे, लेकिन ये कहानी है बिल्कुल नॉट फेक। मिर्जापुर, जिसको सुनने के बाद लोग कहते हैं season 2 कब आएगा यार, उसी शहर की है ये कहानी। वहाँ के एक तांत्रिक हुआ करते थे जो अपने बंदर को शराब पिलाते थे। एक दिन वो मर गए, मेरा गैस है लिवर फेलियर और बंदर की बंद हो गई शराब। तो वो बंदर जिसका नाम था कलुआ, उसने दारू की तलब में 250 लोगों को काट दिया यार। अब इसे लोग मिर्जापुर का माइक टाइसन बुलाते हैं। मगर दोस्तों, जोक्स असाइड, जानवरों को कभी शराब नहीं पिलानी चाहिए, ये एक तरीके का एनिमल अब्यूज है। उस तांत्रिक की वाहियात हरकतों का खमियाजा बेचारे कलुआ को भरना पड़ा। अगर आप आसपास किसी को जानवरों का शोषण करते हुए देखें तो उन्हें जरूर रोकिए, ये हमारा फर्ज है। दोस्तों, आज के एपिसोड पे लगता है फुल स्टॉप, सच्चाई हमेशा रहेगी ऑन टॉप। मैं जा रही हूँ देखने शाहरुख की पिक्चरें, चाहे हिट या फ्लॉप, और आप कीजिए चेक अपने आंसर्स नीचे स्क्रीन पर बटन दबा के। तो कल फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स फेक और नॉट पर मैं मिथिका दत्त करूंगी आपका इंतजार, नई खबरें, नई उम्मीद और नए चुटकुलों के साथ।